हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 5। SST में आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड फीलिंग विद अदर्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, ये ऐसा साधन होता है जो कि हमारे विचारों को, हमारे अनुभव को एक दूसरे के यहाँ भेजने की प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। इट आल्सो इन्वॉल्व द एक्ट ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद पीपल। इसका काम है कि एक दूसरे से लोगों में अपनी बातों को आदान प्रदान करना। कम्युनिकेशन हेल्प इन डेवलपिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री एंड फॉरेन लैंड्स। कम्युनिकेशन ये हमारे जैसे बिजनेस हो, कोई कार्य हो हमारे देश में या विदेशों में, उन सभी में हमारे सहायता करता है। इट हेल्प पीपल इन ट्रबल टू कॉन्टैक्ट पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू सीक हेल्प। यह जो है लोगों को परेशानियों में भी मदद करता है, जैसे कॉन्टैक्ट रहता है पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का या डॉक्टर का, जो हमारी सहायता करते हैं। स्टोरी फॉर कम्युनिकेशन, ये जो संचार के साधन है उनकी कहानी है। जैसे पीपल स्टार्ट राइटिंग ऑन, लोगों ने लिखना शुरू किया क्ले टेबल टैबलेट्स, पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन क्ले टैबलेट्स, पाइपरस सीड्स, जॉनेस गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस, बार्क ऑफ ट्री पेड़ के छाल पे, हाइट्स ऑफ एनिमल जानवरों के स्किन पे, या उस तरह से लोग जो हैं लिखना शुरू किए। जैसे क्ले टैबलेट्स आप देखेंगे, पेपर वाज इन्वेंटेड, फिर पेपर का खोज हुआ, पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑन पेपर, उसके बाद पेपर पे लोग लिखना शुरू किए। द बाइबल वाज द फर्स्ट बुक दैट वाज प्रिंटेड, और सर्वप्रथम बाइबल जो है, बाइबल बुक जो है वो सर्वप्रथम प्रिंटेड हुआ था। पर्सनल कम्युनिकेशन, एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। तो पर्सनल कम्युनिकेशन वही होता है जो कि दो के बीच, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे एक व्यक्ति बात करने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है, दो के बीच जब बात होती है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पर्सनल कम्युनिकेशन हैं। पोस्टल सर्विस, ए फ्यू इयर्स अगो, कुछ ही साल पहले, द पोस्टल सर्विस वाज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
पोस्टल सर्विस आप जानते होंगे, पोस्ट ऑफिस, ये बहुत ही लोकप्रिय संचार का साधन था। द बेसिक जॉब ऑफ द पोस्टल सर्विस इज टू कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवर मेल। और इसमें लोग जो हैं पोस्टल सर्विस में काम करने वाले लोग कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट से डिलीवर भेजते हैं। वी कैन गेट इनलाइन लेटर्स, पोस्टल से हम लोग इनलाइन लेटर, पोस्ट कार्ड, स्टाम्प फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से ही पाते हैं। द पोस्टल सर्विस आल्सो ऑफर्स फैसिलिटी लाइक स्पीड पोस्ट फॉर क्विक डिलीवर ऑफ मेल। एक पोस्टल सर्विस में एक फैसिलिटी होती है स्पीड पोस्ट, जो कि आपका मेल जो है तुरंत डिलीवर हो जाता है, चला जाता है। एक हो है टेलीफोन, टेलीफोन इनेबल्स अस टू स्पीक टू एनीवन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेलीफोन। टेलीफोन जो होता है उसमें हम लोग किसी दूसरे से, दूसरे तरफ से भी हम लोग बात करते हैं, बोल सकते हैं, जस्ट बाय डायलिंग द करेक्ट नंबर। उसमें नंबर करेक्ट रहेगा तो आप एक दूसरे से बात आसानी से कर लेते हैं। फैसिलिटीज है मेड इट पॉसिबल टू स्पीक टू एनी पर्सन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। इसमें यही फैसिलिटी है, यही इसके अंदर गुण है, ऐसा बनाया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से एक देश के कहीं भी, यानी दुनिया के कहीं भी अपने लोगों से बात कर सकते हैं, ये संभव है। नाउडेज आजकल सेलुलर और मोबाइल फोन एनेबल अस टू मेक एंड रिसीव्ड कॉल एट एनी टाइम एंड एनी वेयर। आजकल हम लोग देखते हैं सेलुलर हुआ, मोबाइल फोन हुआ, ऐसा बनाया गया है कि कहीं भी कभी भी आप इस कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी कैन आल्सो सेंड एंड रिसीव, इससे हम लोग भेज भी सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन लाइक आईफोन कैन बी यूज फॉर मेकिंग कॉल्स, शेयरिंग म्यूजिक फाइल, एक्सचेंजिंग फोटोग्राफ एंड रिसीव एंड सेंड ईमेल। स्मार्टफोन बना हुआ है जिससे कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को शेयर करते हैं, म्यूजिक शेयर करते हैं, फाइल या फोटो हुआ हम लोग भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। एक है फैक्स, फैक्स तो फैक्स माइल और फैक्स इज यूज फॉर सेंडिंग, राइटिंग और प्रिंटिंग मैसेज और फोटोग्राफ ओवर टेलीफोन लाइन्स। फैक्स हुआ, फैक्स ऐसी ये मशीन है जिससे कि हमारा लिखा हुआ, प्रिंटिंग किया हुआ मैसेज को, फोटो जो है, आप लाइन द्वारा टेलीफोन पे आपका जा सकता है। फैक्स जनरली यूज फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, और फैक्स जो है मुख्यतः उसी काम के लिए है जो कि आप डॉक्यूमेंट्स को भेजने का काम किया जाता है, लाइक लेटर, रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, न्यूज एंड स्टोरीज। अब एक है कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम आप लोग सभी जानते हैं, जानते भी हैं, आजकल का कंप्यूटर युग है। कंप्यूटर इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंप्यूटर जो है आजकल का बहुत ही लोकप्रिय कम्युनिकेशन का साधन है। कंप्यूटर आर यूज फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज थ्रू ईमेल। कंप्यूटर का प्रयोग जो है मैसेज को रिसीव करना, भेजना ईमेल के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इंटरनेट का काम है, पूरे दुनिया के लोग इससे जुड़े हुए हैं। वी कैन गेट एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट। तो हम लोग इससे जो है इंफॉर्मेशन कहीं भी कहीं से भी हम लोग पा सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। पीपल कैन शॉप एंड इवन डू बैंकिंग थ्रू द इंटरनेट। लोग जो हैं दुकानदारी भी या बैंकिंग का काम भी इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। और एक होता है मास कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल एट द सेम टाइम। तो मास कम्युनिकेशन वही होता है, कभी कभी ऐसा न्यूज, कभी कभी ऐसी घटनाएं जैसे कि तुरंत ही एक ही समय में पूरे दुनिया को खबर मिल जाता है, बहुत से लोगों को जानकारी हो जाती है, उसे हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इट कैन बी डन थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट एंड सिनेमा। तो इसके अंतर्गत जो हैं रेडियो आते हैं, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट हुआ, सिनेमा हुआ, ये सब इसके मास कम्युनिकेशन के साधन। मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड अराउंड द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेटेलाइट। मैसेज को जैसे आप देखेंगे ट्रांसमिटेड लगा हुआ रहता है, जो कि सेटेलाइट हमारे हेल्प करता है। द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कॉल्ड मास मीडिया। तो इस तरह के बनाए गए कम्युनिकेशन को मास मीडिया कहते हैं। रेडियो, इट इज ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉस कम्युनिकेशन। मॉस कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा खोज किया गया रेडियो का। टूडे मैसेज कैन बी सेंड टू द होल वर्ल्ड इन ए शॉर्ट टाइम। तो रेडियो से क्या होता है कि आजकल कम ही समय में पूरे दुनिया को खबर भेजा जा सकता है। द रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज, म्यूजिक, ड्रामाज, स्टोरीज, एग्रीकल्चर न्यूज, वेदर रिपोर्ट, स्पीचेस, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। ये सब चीज़ें हमें रेडियो पे प्रसारित किया जाता है। एक है टेलीविजन। तो टेलीविजन अदर प्रोग्राम्स लाइक न्यूज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, मूवीज, रियलिटी शो, हेल्थ टिप्स etc. कैन बी वॉच ऑन टेलीविजन। ये सभी प्रोग्राम जो हम टेलीविजन के ऊपर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इट हैज ब्रॉट पीपुल ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर। इसलिए इससे क्या होता है, टेलीविजन से दुनिया के सभी लोग एक दूसरे के नज़दीक नजर आते हैं। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन एंड एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर जो है मास कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन है। इनफैक्ट द वर्ल्ड न्यूज itself refer to information gathered from all the four directions। न्यूज का मतलब होता है चारों दिशाओं से खबरें सुनना। न्यूज पेपर आर प्रिंटेड इन मिलियंस इन मेनी लैंग्वेज। बहुत सी भाषाओं में ये प्रिंटेड होते हैं। They provide a great variety of information on politics, sports, business, culture, its literature, history, geography and science। ये सभी इसमें रहते हैं। Books and magazine also provide important information on different topics।
किताबें हुआ, मैगजीन आप पढ़ते होंगे, पत्रिकाएं जो आती हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के पत्रिकाएं निकलती हैं जिससे कि हमें हर दिशाओं के, हर दुनिया के खबर मालूम होते हैं। एडवर्टाइजमेंट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मास कम्युनिकेशन। एडवर्टाइज भी है, जैसे प्रचार प्रसार, ये भी मास कम्युनिकेशन है। थ्रू एडवर्टाइजमेंट द फील्ड ऑफ कंपनीज ट्राई टू सेल दियर प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइज करने से कंपनी जो माल प्रोडक्ट करती है उसका एडवर्टाइज होता है, तो उसको बेचने में उसे मदद मिलती है। सिनेमा, सिनेमा आप लोग अक्सर देखते हैं बच्चे, सिनेमा इज अनदर पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सिनेमा एक दूसरा लोकप्रिय मास कम्युनिकेशन का साधन है। इट इंटरटेन एज वेल एज एडुकेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसको पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, बहुत सी संख्याओं में लोग जो हैं इसको देखते हैं और आनंद उठाते हैं। द डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैव ए ग्रेट एडुकेशनल वैल्यू। अच्छी अच्छी फिल्में जो हैं जिसमें अच्छी शिक्षा भी मिलती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आर हेल्ड एवरी ईयर टू शो गुड फिल्म। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है जिसको कि चुना जाता है प्रत्येक साल का अच्छी फिल्म कौन सी। सेटेलाइट, ए सेटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट। एक सेटेलाइट होता है, ऐसी वस्तु है जो कि ग्रहों के चारों ओर घूमती है। द मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का नेचुरल सेटेलाइट जो है चंद्रमा है। मेनी सेटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस। इस अंतरिक्ष में बहुत से सेटेलाइट्स छोड़े गए हैं। दे कंटिन्यूसली ऑर्बिट द अर्थ, ये हमेशा काम करते हैं। सम सेटेलाइट्स कैरी कैमरा टू टेक फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ। कुछ सेटेलाइट के अंदर कैमरा है जो कि पृथ्वी का फोटो लेता है। दिस फोटोग्राफ्स आर यूज फॉर कास्टिंग द वेदर। तो इससे क्या होता है कि मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। सेटेलाइट कैन रिमेन इन स्पेस फॉर लॉन्ग पीरियड। सेटेलाइट स्पेस में लंबे समय तक काम कर सकता है। टुडे 500,000 सेटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो आजकल हम लोग देखेंगे 5,000 सेटेलाइट हैं ऑर्बिटिंग में हमारे पृथ्वी के ऊपर। ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी यूजफुल टू अस। ये सभी हमारे जो संचार के साधन हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वी मस्ट बी देम फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो हमें इसको अच्छी तरह से रखना है, अच्छी तरह से देखना है। अब ये लेसन जो है इतना ही तक समाप्त हो गया। तब तक के लिए थैंक यू।